हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको स्टेमिना बढ़ाने के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। वैसे तो ये जानना ज़रूरी होता है कि आप अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए रोज़ाना जो प्रयत्न करते हैं, क्या वो पर्याप्त है या नहीं। यानी कि क्षमता यानी स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, संतुलित और स्वस्थ आहार का आपको सेवन करना चाहिए। आहार हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखकर और हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ाकर हमारी क्षमता को बढ़ाता है। आहार का संतुलित होना अति आवश्यक है। संतुलित आहार में फल और सब्जियों को खास तौर पर शामिल करना चाहिए। आहार संतुलित होने के साथ साथ सही मात्रा में भी होना चाहिए। एक बार में बहुत अधिक खाने से बचना चाहिए और कुछ कुछ घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको पानी भरपूर पीना चाहिए। अपनी पानी की मात्रा बढ़ाएं। सुनिश्चित करें कि आप डिहाइड्रेशन और थकान को कम करने के लिए दिन भर में कम से कम 8 गिलास पानी पिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से मांसपेशियों की थकान दूर होती है और पानी में ग्लूकोज मिलाकर पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। आपको व्यायाम भी अवश्य करना चाहिए। स्वस्थ शरीर और विकसित क्षमता के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। व्यायाम करने से थोड़े समय के लिए थकान लगती है, पर यह शरीर को संपूर्ण ऊर्जा प्रदान करता है, वो भी लंबे समय के लिए। रोज़ाना व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करने से शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ने लगती है। रोज़ाना आधा घंटा टहलकर, दौड़कर या कूदकर या फिर अपने पेट को घुमाकर भी आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। आपको साइकिलिंग या स्विमिंग करना पसंद है तो उसे भी आप कर सकते हैं। स्टेमिना बढ़ाने के लिए डाइट के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि शरीर में सोडियम की कमी ना हो। ऐसा होने पर स्टेमिना गिरने लगता है। बेशक व्यायाम करें, लेकिन अपनी सीमा में रहकर करें। हिम्मत से ज़्यादा व्यायाम करने से मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है। क्षमता बढ़ाने के लिए शुरुआत में हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही करें और अपना रूटीन का चार्ट बनाएं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने किन चीज़ों को सही से फॉलो किया है। आपका वज़न नियंत्रण में रहे, बहुत ज़्यादा अंडरवेट या ओवरवेट ना रहें। अपना BMI लेवल चेक करते रहें। दोस्तों, स्टेमिना बढ़ाने के लिए दिन की शुरुआत हेल्दी ब्रेकफास्ट से ही करें। सुबह के समय ओट्स और जूस जैसी चीज़ों का सेवन करने से आपकी क्षमता बरकरार रहेगी। सुबह का नाश्ता किसी भी कीमत पर ना छोड़ें, अन्यथा एनर्जी लॉस हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी बातें हमने आपको बताई थी कि किस तरह आप अपना स्टेमिना बना सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।